हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज रिम्पा कौर। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल क्लचर से कैसे बना सकते हो। सो ये हेयर स्टाइल बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपने हेयर को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। सो फिर उसके बाद आपको जो बैक सेक्शन में आपने हेयर छोड़ा हुआ है उसका आपको पोनी टेल बना लेना है, ठीक है। सो पोनी टेल बनाने के बाद आपको एक क्लचर लेके उसे अच्छी तरह से क्लच कर लेना है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपने बाल को ऊपर लेके जाके उस पर क्लचर लेके आपके बाल को नीचे फॉल करना पड़ेगा। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते रहे कि मैं पोनी टेल बना के क्लचर लगा ले रही हूँ। फिर उसके बाद आप जो आपने हेयर छोड़ा हुआ है नीचे उसको आप रबर बैंड से सिक्योर कर लीजिए एंड उसे आप रोल करके अंदर आप उसे बॉबी पिन से अच्छी तरह से सिक्योर कर लीजिए। सो आप यहाँ पे 4 to 5 बॉबी पिन यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मैं सिर्फ हेयर स्टाइल्स नहीं अपलोड करती हूँ, मैं मेकअप, मैं प्रोडक्ट रिव्यू, मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। सो अगर आप लोगों को अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा सो आप नोटिफाइड हो जाओगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। फिर उसके बाद आपको जो फ्रंट सेक्शन में आपने हेयर छोड़ा हुआ था, जो राइट साइड में या जो लेफ्ट साइड में आपने छोड़ा हुआ, उसे लेके आप उसे अच्छे तरह से ब्रश करके फिर आप उसे बॉबी पिन से आप उसे सिक्योर कर लीजिए। सो जो लेफ्ट ओवर बिट है उसको आप जो आपने हेयर स्टाइल बना था उसके नीचे से लेके आप उस पर बॉबी पिन लगा लीजिए। सो बॉबी पिन लगाने के बाद आपको अपने हेयर पे आपको हेयर स्प्रे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हेयर स्प्रे लगाते हो एंड आपका बाल अगर काफ़ी सॉफ्ट है तो हेयर स्प्रे लगाने से वो यू नो लूज़ नहीं होता है। फिर उसके बाद आप हेयर एक्सेसरीज लेके अपनी हेयर को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लीजिएगा और ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा दिखता है। सो अगर आप साड़ी पहनते हो ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा दिखता है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।